करणान योग क्या करता है कि जैसे कर्म प्रकृतियां और जीव वास्तव में न्यारे न्यारे हैं, लेकिन वो दोनों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो वो ऐसे निरूपण करता है कर्ता कर्म जैसे। हल में है कि देखो ज्ञाना वर्णादि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता, दर्शना वर्णी कर्म के कारण जीव को दर्शन नहीं होता, मोहनीय कर्म के कारण जीव को ये होता है। अब जबकि कर्म से नहीं होता, कर्म तो निमित्त है, होता तो उपादान से है, और ऐसी पर्यायों को भी मिला के द्रव्य में कथन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि करणानियोग आदि के व्याख्यान में भी तुम्हें निश्चय और व्यवहार का ज्ञान, निमित्त और उपादान का ज्ञान होना ही चाहिए। अब देखो जैसे इसमें भी गलती क्या है, अभी बताएंगे टूडमल जी। अब बहुत सारे जीव व्यवहारी समय सार आदि निश्चय व्यवहार आदि बिल्कुल नहीं पढ़ते, और वे चरणानियोग, प्रथमानियोग और करणानियोग ये तीन ग्रंथ पढ़ते। अब जबकि ये तीनों ग्रंथ पढ़ने के लिए द्रव्यानियोग की समझ, निश्चय व्यवहार की समझ, प्रमाण नय का ज्ञान चाहिए ही चाहिए, वरना आप बिल्कुल गलती करोगे। कि कैसे गलती करेंगे, अब उसमें कर्मों की चर्चा आई करणानियोग में, अब कर्मों की चर्चा आई तो उसमें ऐसी चर्चा आई कि कर्म ही जीव को सब कुछ कराते। पहले तो भजन भी गाते थे, कर्म सुलावे, कर्म ही उठावे, कर्म ही जगावे, कर्म सब कुछ करता है, कर्म बड़े बलवान होते हैं, वे ही अपन को चार गति में घुमाते। तो ऐसा लगता है कि कर्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, और आप पुरानी पूजा उठाओगे तो कर्मों की बड़े गीत गाए गए, आत्मा की जगह किसके गीत गाए, कर्मों के, भगवान जैसे गीत गा दिए कर्मों के। तो वो क्या हुआ कि भैया पकड़ थी नहीं कि ये व्यवहार का कथन है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान कौन हो गया, कर्म। शक्तिमान कौन हो गया, कर्म हो गया। तो भाई उसको समझना कि ये व्यवहार नय की प्रधानता से कहा गया है, निमित्त की तरफ से कहा गया है, ऐसा वास्तव में है नहीं कर्म परम कुछ नहीं। देखो अपन को भी लगता है अभी कि भैया कर्म का उदय जो, अरे कर्म का उदय अज्ञानी के है, ज्ञानी के कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी तो वेद ज्ञान जानता है, तो कर्म का उदय कर्म में रहता है, निकल जाता है। अज्ञानी चूंकि अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करता है, और वो कर्म का उदय आता भी शरीर में, आत्मा में थोड़ी आता है। देखो संयोग का वियोग आत्मा में हुआ कि पर में हुआ, रोग कष्ट आदि जो भी शरीर में हुए कि आत्मा में हुए, शरीर। तुम अपने को शरीर नहीं मानोगे तो कितना कर्म परेशान करेगा, लेकिन अपन अपने को जब शरीर मानते ही है तो वो रात दिन वो तकलीफ बनती है। तो ये सब अपन को समझना चाहिए। तो व्यवहार का ज्ञान, निश्चय का ज्ञान जरूर होना है। और देखो क्या कहते हैं, जीव पुद्गल यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संवादिक संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष जान नहीं जान सकते। क्योंकि व्यवहार ही भेद प्रभेद करता है, निश्चय तो भेद प्रभेद करता नहीं। निश्चय तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का निरूपण करता है, ये सारी व्यवस्था व्यवहार की है। अब देखो इसलिए व्यवहार की ही व्यवस्था है, इसलिए जिनवाणी में व्यवहार का ही कथन ज्यादा है। ये तो बिल्कुल सरल बात है ना, पूरा प्रथमानियोग व्यवहार, पूरा करणानियोग व्यवहार, पूरा चरणानियोग व्यवहार, और द्रव्यानियोग में भी 50% व्यवहार, तो कितना रेस हो गया व्यवहार का है बता। कल मैं प्रवचन सुन रहा था, एक बात बोल के खत्म, बहुत अच्छी बात थी। तो गुरुदेव का उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर साहब, कि गुरुदेव ऐसा कहते थे कि शास्त्रों में व्यवहार को कहीं कहीं अध्याय ऐसा कहा है कि व्यवहार घास फूस जैसा है। कैसा है, घास फूस। कि घास फूस जैसा है का अर्थ क्या है, अपन ये समझते कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। डॉक्टर साहब यही कर दे रही है, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने कि भाई घास फूस जैसा है, माने व्यवहार इतना व्याप्त है दुनिया में, इतना व्याप्त है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार माने घास फूस जैसा है, माने ऐसी देखो घास देगी तुमने, पत्थरों पे जम जाती है,
जरा सी सरांद हो तो वह घास दे गए। देखो वहाँ कौन पानी देने गया, कौन बीज डालने गया, कौन ध्यान देने गया, कोई नहीं गया। गया और बढ़िया पेड़ लगाओ अच्छा घर में या बाहर, उसको रोज पानी दो तो भी पता चला मुरझा रहा है, नहीं हो रहा है, सूख गया है, देखे नहीं, तो वो व्यवहार है घास फूस जैसा। और जो निश्चय है बीज जैसा कि खूब लगाओ, खूब बच्चे जैसा ध्यान रखो, बढ़िया मिट्टी में लगाओ, पानी लगाओ, बाड़ लगाओ, तो भी जरूरी नहीं है कि फल ही जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोले व्यवहार कि तुम बिल्कुल कुछ मत करो, जे तो अपने आप पलेगा, पोसेगा, पढ़ेगा, फलेगा। ये व्यवहार घास फूस जैसा है, इसलिए इस दुनिया में व्यवहार की चर्चा करना कोई समझदारी की बात नहीं है। व्यवहार के प्रवचन करना कोई समझदारी के, क्यों साहब? अरे भैया व्यवहार के प्रवचन तुम अकेले नहीं करोगे तो भी हजार लोग हैं करने वाले। तुम आत्मा की चर्चा करो ये अरे साहब कर्म बड़े बलवान होते हैं, कर्म से ऐसा होता है, अरे ये चर्चा करने वाले गली गली में हैं। अभी बाहर निकल जाओ, जो गाय भैंस, अब तो गाय भैंस चराते नहीं, बाहर निकल जाओ कोई मजदूर आदमी हो उससे पूछो कि क्यों भाई कैसे सुख दुख होता है, अरे भैया जे कर्म पूरब किए खोटे, लो अब वही भाषण दे रहा है पंडित जी, सब कर्मों का खेल है। मुझे मिल जाते हैं लोग हैं, मुझे कहते हैं पंडित जी सब कर, अब जो कपड़े पहन लेते ना ऐसे ऐसे निकलते ना, अभी एक दिन मैं आ रहा था वहाँ, वो PhD की डिग्री लेके, तो वो ऐसे कपड़े पहन के गया था कुर्ता पजामा, तो मैं आया तो इधर मैं उतरा गाड़ी से, आया तो इधर उतार उतर गया कहाँ झील पे, तो वहाँ मैं खड़ा हो गया तो एक सामने से आया रिक्शा वाला, पंडित जी नमस्कार। मैंने कहा भैया नमस्कार। कहते हैं राम राम। कहते पंडित जी आप बैठो आसन ग्रहण करो। अरे वाह बैठो भाई। खैर पंडित जी आप कहाँ चल रहा? हमने कहा मेरे को भैया बाबू राम स्कूल तक चला। हाँ चलो मैं आपको छोड़ दूंगा। आया तो भैया मेरे को फिर ध्यान आया कि अरे मेरी तो मेट्रो पे रखी है वो स्कूटी। मैंने कहा भाई मुझे मेट्रो तक छोड़ दे, समझे? तो वो मेट्रो तक ले गया। वहाँ गया तो मैंने उसको पैसे तो 10 रुपये। मैंने कहा भाई, कह रहे पंडित जी आप जितने देना। अरे मैंने कहा भाई तू 20 रख, इतना सस्ता। कह रहे पंडित जी। मैंने कहा देखो ऐसा हो गया। अरे फिर वैसे पूछ रहा रास्ते में, आप वैसे कौन से मंदिर में कथा करते हो? समझ में आया? तो मैंने कहा हाँ, नहीं मैंने उससे नहीं कहा मैं कथा नहीं करता, मैंने कहा भीम गली में करता हूँ, आ जाइयो तुम सुबह। तो जगत में तो जगह जगह घूम रहे सब, व्यवहार कहाँ नहीं चलता। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया एक माला ले निकल जाऊँ रस्ते में, देखो तुम कितने लोग राम राम करेंगे। समझे? अरे आशीर्वाद ले तो पैर भी छुएंगे बेचारे, कुछ जाने बिना ये कौन है क्या है। तो ये व्यवहार तो भाई जगह जगह पूजयंती है, ये व्यवहार की क्या बात करना। हमें इतना अच्छा लगा, मेरे घास फूस जैसा फलता है। गुरुदेव ने लगा कि जितना कितने ही बचाओ, कितने ही निश्चय का उपदेश दो, निश्चय कमजोर पड़ जाता है और एक व्यवहार का सब होता है कि नहीं होता है, अपने साथ होता है कि नहीं। इधर मैं इतना निश्चय समझाता हूँ और एक व्यवहारी पंडित आया वो सब साफ कर दे। रोज पढ़ाओ पन, और एक आया और उसने कहा अरे तुम स्वच्छंदी हो जाओगे है। कल और ही कल का और आया, एक और सुना देता हूँ। कल एक अमेरिका से किसी का मैसेज आया, वॉइस मैसेज, बोले साहब मैं आपको USA में रहता हूँ वहाँ सुनता हूँ। ठीक है। तो नीचे उसने लिखा आपको बड़ा संभल संभल के सुनना पड़ता है, संभल संभल के सुनना पड़ता है। बिल्कुल अभी है मेरे पास उसकी वॉइस, देखा बोले आपको बहुत संभल संभल के सुनना पड़ता है क्योंकि आपके साथ ना स्वच्छंदी होने का बहुत खतरा है। मेरे कहा यार गजब हो गया था। कौन सा प्रवचन सुन लिया भाई है? किसी किसी में बोल देता है ना मैं कुछ नहीं होता खाने पीने से, ऐसा फिल्म में बोल देता है कुछ नहीं होता ऐसा, तो आज भी वो बहुत घबराहट हो जाती है कि यार हम इतना खा पी का त्याग कर रखा है और ये पंडित जी इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं और आत्मा की इतनी बढ़िया चर्चा सुनाते हैं। और अपने को तो कईयों को तो लगता है बहुत ज्ञानी टाइप के आदमी है और एकदम बीच में बोल देते खाने पीने से कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है यार अभी जमीन खिसक जाती है कि भाई अपन इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रहे, त्याग करके बैठे हैं, वो
और जो एकदम पानी फेर देते तो आज भी घबराहट होती कि नहीं, मतलब नहीं नहीं बात इसका है। देखो ऐसा एक तो इच्छाओं को रोका उसने जबरदस्ती, ठीक है, मेहनत करी, सीधी सी बात है जो भी आपकी भाषा में, और अचानक मैं कह दूँ इससे कुछ नहीं होता तो उसको लगता है मेरी जिंदगी तो बिल्कुल व्यर्थ गई, मैं इतने दिन से बताओ इतना बढ़िया खा सकता था रसगुल्ला, इनने खाने नहीं दिया है और अब खाने के दांत नहीं बचे। अच्छा एक बात बताओ, अब तो रमेश जी भी कह रहे हैं रसगुल्ला की बात हर जाती, ठीक है भैया कल से रबड़ी की बोल देंगे। अरे रसगुल्ला जगत प्रसिद्ध डिश है ना, अब आजकल जो दुनिया भर की नई नई डिश आ गई, लेकिन रसगुल्ला अपने पूर्वजों से चल रहा है, रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए रसगुल्ला बोलते हैं, कोई हमें रसगुल्ला पसंद है ऐसा नहीं, हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन रसगुल्ला बहुत भोले बाज है, रमेश जी तो हकीकत है भोले हैं, अच्छा ऐसा है, देख लो भैया यहीं तुम्हारा जो तुम लोगों को चुनाव लड़वा दूँ क्या, तुम एक काम करो रमेश जी चुनाव लड़ लो, तुम तुम्हारी कसाई निकल जाएगी, इनको बीजेपी की तरफ से खड़ा करो तुम्हें कांग्रेस की, तुम शांत आदमी हो ये एग्रेसिव आदमी है, अच्छा सॉरी सॉरी उनको, अरे अरे तो उल्टा हो गया जे मोदी क्या है, तो मोदी का आदमी तो सीधा बिल्कुल नहीं है, चलो अभी समझ में आई, तो वो इतनी बात हुई कि भाई हमें तो स्वच्छंद ही होने का डर, लेकिन मैं ये कहता हूँ किस बात का डर, इसने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वास्तव में ईमानदार, किस बात का डर लगता है, क्या है स्वच्छंदपना, भाई अपनी आत्मा का ध्यान नहीं देना, आत्मा की दृष्टि नहीं करना, भेद ज्ञान नहीं करना, असली स्वच्छंदपना ये है, पूजा पाठ करना या नहीं करना ये कोई स्वच्छंदपने के खाते में आते ही नहीं है, ये तो अलग कैटेगरी की चीज़ है, कि नहीं जब शास्त्रों में तो आता है, अरे शास्त्रों में तो उसके बारे में आता है कि जो आत्मा की बात करता है आत्मा से प्रेम नहीं करता, समझ में आया, और आत्मा के नाम पर पूजा पाठ भक्ति छोड़ देता है और दुकानदारी में लगा रहता है उसे स्वच्छंदी कहते हैं, मैं पूजा में नहीं आता, मैं दिन में दिन भर स्वाध्याय सुनता हूँ, दिन भर तत्व चिंतन करता हूँ, मैं काहे का स्वच्छंदी, उसमें क्या बात है, ये तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, घबराना नहीं, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, कोई सट आवश्यक गिन गिन के सम्यक दृष्टि पालता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अनेक कार्य बता दिए कि तुम आत्मा से जुड़े रहो बस, कि भैया तुम्हारा पूजा में मन लगता हो तो पूजा से जुड़ जाओ, तुम्हारा स्वाध्याय में मन लगता हो तो स्वाध्याय से जुड़ जाओ, तुम्हारा भैया खाने पीने का नियम लेके लगता हो तो वो ले लो, और कोई बात नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है कि 10 का नोट भी रखो 20 का भी रखो 30 का भी रखो 40 का भी रखो, ये कुछ नहीं है, ये सब ये जो किराने की दुकान खोल के बैठ जाते ना भाई सब सामान रखो ये भी ऐसे ये सट आवश्यक, कई लोग क्या करते सुबह आ गए एक आवश्यक पूरा हो गया, दो रुपया डाल दिए दूसरा आवश्यक पूरा हो गया, पर्ची उठा ली आज ये नहीं खाना तीसरा आवश्यक पूरा हो गया, सुबह प्रवचन में आधे 15 मिनट बैठ गए एक आवश्यक पूरा, ऐसे भी गिन गिन के आवश्यक पूरे करते रहते हैं, हैं देखो वो कह रहे ट्विंकल ऐसे लोग भी हैं, अरे भाई ऐसे ही ऐसे लोग हैं, समझ में आया है, अभी अभी संसार में आया ना एक लेख, किसी ने एक आवश्यक छोड़ दिया किसी ने एक आवश्यक, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आत्मा से जुड़ा रहे ये आवश्यक है, क्या एक ही आवश्यक है, उसमें 6 समा जाते हैं, कि तुम्हें आत्मा से प्रेम है कि नहीं ये बताओ, कि साहब नहीं है खत्म, तुम्हारे 6 आवश्यक बकवास बिल्कुल बे मतलब के है, कि आत्मा से प्रेम है कि बस सब सही, हाथी के पैर में सब समा जाते कि नहीं समा जाते, बुझो कैसे, देखो भरत ने 28 मुर्गुण पाले कि नहीं पाले, भरत जी ने 28 मुर्गुण पाले कि नहीं पाले, बताओ आपसे प्रश्न है, पाले कि नहीं पाले, अरे मुनि बने ना तो 28 मुर्गुण पाले कि नहीं पाले, कहाँ पाले, काया पाले, बे अंतर्मुख तो केवल ज्ञान हो गया ना, वे आर हो गए लिख ले ना, कहीं कोई कोई ईरिया समिति ग्रोह चले कुछ हुआ ही नहीं, तो वे 28 मुर्गुण पाले कि नहीं पाले, बोला सोचो दादा बहुत अच्छा लेते, कि अरे भाईया
ये 28 मूल गुण तो अपने स्वरूप में नहीं टिक पाओ और बाहर आ जाओ तो है, ये पालने हैं, ये कोई बात थोड़ी है कि अगर आत्मा में चले गए तो सब पल गया, बात खत्म हो गई। फिर वो भरत जी ये नहीं देखेंगे कि मैं काय का मुनि, मेरे 28 मूल गुण कहाँ है, मैं तो चला ही नहीं, कि केवल ज्ञान हो गया कि नहीं, एक भी मूल गुण पाला क्या बता, वे तो सीधे कपड़े उतारे बैठ गए ध्यान में, कहीं गए ही नहीं, तो काय की पांच समति, बोले ही नहीं तो काय की बाधा समति, पिछी का मंडल लिए ही नहीं, उठे ही नहीं, रखे ही नहीं, तो काय का आधार निकची पड़ा, क्या करो बताओ, क्या करोगे तो फिर होंगे कि नहीं होंगे। हे भाई नियम सार में लगा कि प्रतिक्रमण क्या है, प्रायश्चित क्या है, आलोचना क्या है, भक्ति क्या है, शुद्ध भाव क्या है, व्यवहार क्या है, खेल में आया कि नहीं आया, और भी शुद्ध उपयोग क्या है, तो उसमें एक लाइन लिखी, अपनी आत्मा में रम जाओ, ये सब है, प्रतिक्रमण हो गया, प्रायश्चित हो गया, आलोचना हो गई, सब कुछ हो गया, एक आत्मा में रमना ही है। ऐसे ही जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है उसके कोई स्वच्छंदपना नहीं है, और जिसको अपनी आत्मा से वास्तविक प्रेम नहीं है वो चाहे जितना क्रियाकांडी हो वो स्वच्छंदी ही जानना।